जा, कहाँ जाना फिर? बियर का अभी तो बियर चाहिए पहले, टाइम थोड़ी है, सुबह का टाइम है। बारिश, बाहर बारिश हो रही, चिल्ड बियर हो, धूप भी। नींद पूरी होगी तेरी? ये मैं तो सोया ही नहीं, सोता ही नहीं, इसको नींद नहीं आती। गाइस मुझे डॉक्टर को इसको दिखाना पड़ेगा। इसको नींद नहीं आती, इसको बताओ कैसे इसको नींद आएगी। कोई कोई दवाई सजेस्ट करो मुझे डॉक्टर, मैं सजेस्ट उन्नीस करो। बीस घंटे जाता हूँ दिन में। ये सारे यहाँ पे फोटो खिंचाए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे? हाँ ये बढ़िया जगह है बच्चा, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आया? आप फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा लग रहा है ना? चलो भैया करो एंजॉय। तो आज का हमारा चेक इन रहेगा होटल स्काई विंग में, जिसका व्यू अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से है। ये एक पास बना रखा रूम नहीं है यहाँ पे, वो ऊपर जा रही है, वो गाड़ी देख रहे होगे, मसूरी रोड जा रही है मेन, देहरादून से मसूरी रोड, मॉल रोड आता है आगे और नीचे जाएंगे तो देहरादून आता है। और इस तरीके का कुछ रूम पैटर्न बना हुआ है अच्छा सा, स्काई विंग होटल का नाम है। ये भी हमारा रूम है ना रे, और ये वाला भी एक रूम हमारा है। तीन रूम कराए हमने क्योंकि आज मेरा कज़न भी आ गया है, दक्षु आई है साथ में। ये है वॉशरूम, सिंपल सा छोटा सा कॉजी सा वॉशरूम है। और ये है होटल का रूम, और ये है होटल का नाम स्काई विंग। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना सामान बिखेर दिया है, फिलहाल वहाँ से उठाया यहाँ पे डाल दिया। और ये एक छोटी सी कोजी सी दे रखी है बालकनी, जिसके पीछे आ रहा है बहुत बढ़िया सा व्यू, जिसके लिए हम हमेशा ढूंढते हैं कि अच्छा सा रूम मिले जहाँ पे पीछे ऐसे पहाड़ दिखे बढ़िया से। तो रात को यहाँ पे अभी तो क्लाउडी हो गया है, बारिश कल हुई थी, कल अर्ली मॉर्निंग 3 AM बारिश हुई है। मैंने छोटा सा ब्लॉग डाला भी था, आपको क्लिप देखी होगी। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कज़न आए उससे बातें करते हैं, उसको ब्लॉग में लेते हैं, क्या मस्तियाँ करने वाले हैं आपको थोड़े टाइम में दिखाएंगे। मेरी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन से। चलो नहाते हैं फिर, मिलते हैं। हाँ कर जा, कहाँ जाना फिर? अभी तो बियर चाहिए पहले, बियर का टाइम थोड़ी है, सुबह का टाइम है। बाहर बारिश हो रही, चिल्ड बियर हो, बारिश हो रही। भट्टा फॉल्स चले, भट्टा फॉल्स चलेंगे, वहाँ डूब जाएंगे सब। भट्टा फॉल्स में पानी के अंदर बैठ के इधर को मैगी वैगी खिलाएंगे, मजा ही आने। अपना वो ले चलेंगे ना, वो गैस चूल्हा लाए हुए वहाँ पे, वो बनाए पानी में कम लगे। कहाँ चलना फिर? भट्टा फॉल्स चलो, भट्टा फॉल्स यहाँ से 15-20 मिनट का ही रास्ता होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा क्योंकि हम मिड में रुके हुए हैं। नीचे भट्टा फॉल्स पड़ता है, ऊपर मसूरी मॉल रोड पड़ती है। अभी तो हम नहाए धोए भी नहीं है, मस्तियाँ ही मार रहे हैं, नाश्ता किया। नींद पूरी होगी तेरी? मैं तो सोया ही, सोता ही नहीं, इसको नींद नहीं आती। गाइस मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसको नींद नहीं आती, इसको बताओ कैसे इसको नींद आएगी। कोई कोई दवाई सजेस्ट करो मुझे डॉक्टर, हाँ सजेस्ट करो, 20 घंटे जाता हूँ घर में। नहीं तो देसी लाए बताओ, इसकी तो शादी भी हो गई, कोई लड़की का भी चक्कर नहीं है। चाय का मजा नहीं आया, क्या करें? चाय भी बना रहे, मुझे एक अपनी बना ले। अरे वाह, चाय की दुकान खुल गई है, गैस चूल्हा हमारा आ गया, तो हम चाय बनाएंगे अपनी, क्योंकि बढ़िया चाय नहीं मिली पीने को। और सब रूम का व्यू सेम है, ये मेरे कज़न का रूम है, इससे नीचे वाला ये वाला मेरा रूम है, भाई का साथ वाला रूम है। तो सारे यहाँ पे बारिश बंद हो गई है, अच्छा टाइम है निकलने का, फटाफट तैयार होकर भट्टा फॉल्स निकलते हैं। एंड आई डाउट वो नीचे भट्टा फॉल्स ही है जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी चलते हैं देखते हैं, पास में ही है। मौसम थोड़ा सा तो खुल गया है, अब क्लाउड्स कम हो गए, धूप निकल रही है हल्की हल्की, तो चलते हैं फटाफट। तो अभी टाइम हुआ है 4 बजे का, और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं सारे, अब हम जाएंगे पहले भट्टा फॉल्स। हो रेडी? कुछ लोग पूल खेल रहे हैं यहाँ पे, रात को खेलेंगे हम भी। तो ये गाड़ी आ जाएगी, एक हो जाएगी हमारी, तो सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जिप लाइन भी हो रही है, जिप लाइन करनी है। ये क्या कर रहा तू? ये मैं करा रहा हूँ जिप लाइनिंग, ये पार्ट टाइम लिया मैंने अभी यहाँ पे, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया। यहाँ से जाएगी कितनी दूर तक की भी है? अच्छा क्या चार्जेस हैं? 500 रुपये, 500 रुपये यहाँ से जिप लाइन है, 500 रुपये पर बंदे की। यहाँ से भी अभी जाएंगे यहाँ से और वो आगे तक। चलो भैया करो एंजॉय। वो
भाई को। चलकर ये कर रही जिप लाइन का, इसका मेरा वजन और दूसरी जगह करेंगे, मैं इसकी करवाऊंगा, ये जाते समय इसकी करवानी है। रस्सी पहले टूट जाए, टूट जाएगी रस्सी, 200 किलो तक वजन ले लेगी। कोई बात नहीं भैया, कितना वेट ले लेती है? हाँ 95। तो ये आधे कैसे लेगी? आधे आधे जाएंगे, आधे आधे वेट ये टूट जाएगी हमारे करने से। तो आधा आधा भेज देंगे ना, आधा नीचे का हिस्सा पहले भेज देंगे बाद। ये भैया गए भैया मरवाने के चक्कर में, गलत बताने के, तू थोड़ी करेगा। चार्जेस के और इन्होंने बताया तो 250 रुपए में छोड़ रहे। तो अभी हम पहुंच गए भट्टा फॉल्स पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है दोनों और सामने जाएंगे भट्टा फॉल्स पे। इस बार पिछली बार की तरह यहाँ पे अभी भी गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो में। वाटर में बैठना है? हाँ बैठेंगे ना। और ये सारे झूले हैं, अभी म्यूज़िक बंद हुआ है और सामने का झूला बड़ा सही लग रहा है, एडवेंचरस सा, वो अगर देख पा रहे हो तो। अभी हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा गीला है, यहाँ पे बारिश हुई है। बाकी भाई और पापा तो आगे निकल गए हैं, करण अभी आ रहा है, करण का है। तो ये भट्टा फॉल्स का अम्यूज़मेंट पार्क है, और ये सामने अगर ट्रॉली वगैरह और वो आपको स्विंग लेना है या और भी झूले हैं जो थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ हैं, रेन डांस भी होता है यहाँ पे, भी बंद है, ज़्यादा क्राउड है नहीं तो कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री फीस लिखी हुई है, रोप वे की 250, रोप वे पर पर्सन वन साइड की 150 है, बोथ साइड 250 है, एंड एंट्री फीस है 50 रुपीज़ अगर आप अंदर एंटर करना चाहें तो। ये सब भी आगे, वो आगे पीछे आ गया, चले हैं हाँ वो आगे जाना। तो ये भट्टा फॉल सामने, वाटरफॉल जो छोटे छोटे इन्होंने बीच में वो बना रखे हैं सेटिंग के लिए। अभी आज फॉल का पानी थोड़ा तेज लग रहा है, पता नहीं सेटिंग आज है या नहीं है। हाँ वो है तो सही सामने, तो वहाँ बैठ के फूड ऑर्डर करेंगे और बढ़िया सा कुछ मैगी या चाय खाएंगे। यहाँ अब इन सब का फोटो सेशन चल रहा है, गॉगल्स लगाने भूल जाते हो। ये तैयार होके नहीं आया, ये मजनू भाई की पेंटिंग बनवा के आया टी शर्ट पे, वेलकम में मजनू भाई ने। अकेले की खिंचवानी है तुमने, बीवियों के साथ नहीं खिंचाएंगे, अकेले खिंचवाएंगे। दक्षु रो रही है, दक्षु को घर जाना है, चल दक्षु आ जा, दक्षु को डर लग रहा है। और ये फोटो खींच रहे हैं अभी, वो भी आगे चले गए। और ये नीचे का व्यू, लोग बैठे हैं पानी में ठंडे, पैर वैर डाल के फूड ऑर्डर करेंगे। यहाँ से फूड मिलता है, आप कुछ भी मैगी पकौड़े चाय करो सकते हो ऑर्डर, और यहाँ बैठ के अपना इन्जॉय कर सकते हो आराम से। मैं पहले भी आया था, पहले बहुत क्राउडेड था, आज तो काफ़ी टेबल्स खाली पड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे भी जाके है, पानी ठंडा लगने वाला है मेरे को लग रहा है, ज़्यादा ठंडा होगा। बाकी चलते हैं अंदर, ये पीछे पानी का फ्लो तेज है, पानी ठंडा भी है ना, पत्थर चुपते हैं थोड़े थोड़े। तो चक्की आ रही है, पकड़ू लेकिन चक्की वो पकड़ गया, तू तो जाएगा नहीं। ये सारे यहाँ पे फोटो खिंचाए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आया ना यहाँ पे, ये बढ़िया जगह है बच्चा, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम आयो, अच्छा लग रहा है ना? वो चक्षु के लिए, ओ चक्षु आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया जगह ना, पानी में बैठ के खाओ। मैं तो पहले आ ही चुका हूँ, मैं ही ले गया, मजा आ गया। स्टार्ट, ये रील बनाने का रिस्क लेके जोखिम लेते हुए, ये प्रॉपर रील स्टार है इंस्टा के, इनकी रील देखनी हो तो इनकी प्रोफाइल पे जा सकते हो आप। वाह वाह गिर गया। तो काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद अभी टाइम हुआ है 6:30 का, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस होटल की ओर, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की रोड जो है थोड़ी सी नैरो एंड स्टीपी भी है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का पैच, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहाँ ऊपर पार्किंग है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप आओ तो ज़्यादा पैदल नहीं चलना है, ये थोड़ा रेनी सीजन है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, अदरवाइज़ आराम से आप जा सकते हो। तो चलते हैं फटाफट होटल की ओर, वहाँ चलते हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ बैठेंगे बातें वातें करेंगे, खाएंगे पियेंगे, और इस बार हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल होटल में, फिर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे हम क्या कर्मचारियाँ करने वाले हैं। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं चिप्स विप्स की, बिस्किट्स की, दूध लेना है, दक्षिण के लिए दूध नहीं मिल रहा, तो सामने देखें एक बार वहाँ मिल जाए शायद।
ठीक है भैया क्या क्या करवाएं? एक प्लेट चाउमीन, एक चिकन मोमो, एक वेज मोमोज फुल प्लेट, और बाकी भी देखते हैं स्ट्रीट फूड का मजा लिया ना। ठीक है भैया, एक चिकन मोमो फ्रेश मोमो फ्राई, एक प्लेट चाउमीन और एक स्टीम मोमो फुल प्लेट अटैक करो मारे। शाम को वहाँ से घूम के हम जा रहे थे मॉल रोड, मॉल रोड मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो, वहाँ से हम गए नहीं, वहाँ से वापस मुड़ के आ गए। हाँ देखो घूमा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? पानी वाले में मज़ा आया था? हाँ, ये कौन दिख रहा है? दक्षु है? दक्षु खुद को देख रही है। और ये प्लान कर रहे हैं पार्टी शार्टी। हाँ जी घूमा थकावट होगी? सो अब टाइम हो गया है 11 बजे का, और सब खा पी के सब बातें वातें करके मस्ती मार के चले गए हैं यहाँ पे, सब सामान वामान छोड़ के अपने अपने रूम में सोने। मैं अभी अब सोने लगा हूँ, और ये पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा एक मकोड़ा सा आ गया। तो ये डोर यहाँ पे खुला था तो ये अंदर एंटर कर गया, अब ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या कर सकते हैं, देखते हैं काटेगा तो नहीं। तो अभी ये दोनों सैर करने निकले थे होटल के बाहर, सैर करते हुए इनको कोई ढाबे वाला मिल गया जहाँ पे कुल्लड़ पड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, तो मेरे को भी बुला लिया इन्होंने, तो मैं भी आया हूँ। क्या खा रहे हो? क्रीम रोल, स्प्रिंग रोल, क्रीम रोल, चाय ऑर्डर कर दिए? क्रीम रोल खाएगा। चाय पीने की चुल हो रही है तुम्हें? बन मक्खन भी? हाँ बन मक्खन खाए। चाय पी, 12 बजे तो खुली रहती है, सही है, कल के लिए भी जो ऑर्डर। चलो मिलते हैं कल सुबह। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, आपको पसंद आया हो कुछ भी तो कमेंट करके बताना, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछना, एंड लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो कोई भी मसूरी या बटा फॉल्स के बारे में कोई नॉलेज लेना चाहता हो। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।